हाय ले एवरीवन, मरीज खान आप सबका स्वागत करता हूँ साउथ इंडियन मूवीज पर। तो इस वीडियो के अंदर मैंने साउथ की कुछ वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री वाली मूवीज को कवर करने की कोशिश की है, जो आपको एक बार तो डेफिनेटली वॉच करनी चाहिए। और इन मूवीज के अंदर आपको एक एंगेजिंग स्टोरी के साथ साथ बढ़िया सा कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा। तो गाइज, अगर आप इन मूवीज के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, आपको ये कन्फर्मली पता चल जाएगा कि कौन सी मूवी आपके लिए वर्थ टू वॉच है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि आगे भी आपको ऐसी साउथ की बेस्ट मूवीज के सजेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए गाइस, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पर है वीराम। वीरू और नरसिम्हा जो दोनों भाई होते हैं, जिन्हें की उनकी बहन सरस्वती पाल पोसकर बड़ा करती है। लेकिन जैसे ही वीरू और नरसिम्हा दोनों भाई बड़े हो जाते हैं, तो फिर ये अपनी लाइफ के अंदर अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। यानी कि ये दोनों ही अपनी लाइफ के अंदर डिफरेंट पाथ को चूज कर लेते हैं। अब गाइस, दोनों की लाइफ के अंदर एक्चुअली में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आप इस मूवी को डेफिनेटली वॉच करें। ये एक ओवर स्ट्रेच कमर्शियल मूवी है, जिसके अंदर एक्शन रिवेंज के साथ थोड़े बहुत रोमांटिक एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इस मूवी की राइटिंग वीक होने की वजह से इस मूवी की स्टोरी प्रेडिक्टेबल बन जाती है। लेकिन इस मूवी के अंदर कपल ऑफ इमोशनल सीक्वेंस होते हैं, जिस वजह से ये मूवी ऑडियंस के अटेंशन को ग्रैब कर लेती है। बाकी 2023 में इस एक्शन ड्रामा फैमिली मूवी को रेटिंग मिली है 6.7 की। नंबर 4 पर है कुर्मान। एक ऐसा मेंटलिस्ट जो लोगों के दिमाग को इजीली रीड कर लेता है, और कोई भी पर्सन अपने माइंड के अंदर डिटेल्स को हाइड नहीं कर सकता, यानी कि नहीं छिपा सकता है। लेकिन इमेजिन कीजिए गाइस, जब एक पुलिस वाला उस मेंटलिस्ट का यूज क्राइम को सोल्व करने के लिए करता है, तो उसके बाद में जो कुछ भी होता है वो आप इस मूवी के अंदर डेफिनेटली वॉच करें। ये एक कैरेक्टर ड्राइवन थ्रिलर मूवी है, जिसके अंदर औरतों के खिलाफ होने वाले वायलेंस के बारे में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी होता है। मूवी के बेहतरीन कैमरा एंगल्स की वजह से ऑडियंस के अंदर इस मूवी को देखने के लिए इंटरेस्ट बरकरार रहता है, और साथ ही गोपी का आर्ट डायरेक्शन भी एकदम एक्सीलेंट रहता है। वही टोनी का बैकग्राउंड स्कोर भी लैकलस्टर सीन्स को एलिवेट करने की कोशिश करता है, जिसके बाद मूवी के अंदर हमें मिक्स रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और इस मूवी की ऑसम राइटिंग के साथ इस मूवी के अंदर जितने भी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं, वो इस मूवी को वन टाइम वॉचेबल बना देते हैं। बाकी 2022 में इस एक्शन थ्रिलर मिस्ट्री मूवी को रेटिंग मिली है 4.6 की। नंबर 3 पर है डी ब्लॉक। जंगल के अंदर एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ की गर्ल्स स्टूडेंट्स धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाती है, और बाद में उन्हें कोई मार देता है, जिसके बाद उसे इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का अरुल अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है कि वो इस मिस्टरी को सोल्व करके रहेगा कि एक्चुअल में लड़कियां कैसे गायब होती है और फिर उन्हें बाद में कौन मारता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस मूवी का फर्स्ट हाफ मजेदार रहता है, लेकिन किसी किसी को लिटिल बोरिंग लग सकता है। वह इस मूवी के अंदर जितने भी कॉमेडी सीन्स और कॉलेज सीन्स आते हैं, वो अच्छी तरीके से वेल तरीके से वर्कआउट कर जाते हैं। और इंटरवल के अंदर इस मूवी के अंदर एक आइकॉनिक सीन आता है, और इंटरवल के बाद में ही इस मूवी के अंदर कुछ बड़ा सा और कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। मूवी के फर्स्ट हाफ की तरह सेकेंड हाफ के अंदर भी कई सारी मजेदार चीजें देखने को मिलती है, साथ ही सेकेंड हाफ काफी ज्यादा एंगेजिंग रहता है। ओवरऑल बात की जाए तो ये एक डेफिनेटली वॉचिंग मूवी है। बाकी 2022 में इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को रेटिंग मिली है 5.6 की, और ये मूवी आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी। नंबर 2 पर है डी कंपनी। ये मूवी दाऊद अब्राहिम के बारे में बताती है कि कैसे दाऊद अब्राहिम एक स्मॉल टाइम गुंडे से मुंबई का लोकल डॉन बन जाता है, और साथ ही कैसे दाऊद अब्राहिम अपने भाई शब्बीर अब्राहिम के अंडर काम करके कैसे मुंबई के बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन बिठा लेता है और बहुत ही जल्द क्राइम वर्ल्ड के अंदर एक फेमस नाम बन जाता है। और सिर्फ बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस मूवी के अंदर डिटेलिंग और साथ ही लोकल इश्यूज को वेल तरीके से शोकेस किया गया है, और साथ ही नोटेड डॉन्स की रियल लाइफ के रेफरेंसेस के साथ साथ उनकी लाइफ्स को भी वेल तरीके से दिखाया है। मूवी के अंदर कुछ अच्छे विजुअल से देखने को मिलते हैं, साथ ही जो कुछ गैंगस्टर बेस्ड सीन्स आते हैं उन्हें भी वेल तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। लेकिन कुछ एरियाज के अंदर इस मूवी की रूटीन स्टोरी और लैक ऑफ ग्रिपिंग एलिमेंट्स की वजह से ये मूवी ऑडियंस को थोड़ा बहुत बोर कर सकती है। बाकी 2021 में इस क्राइम थ्रिलर मूवी को रेटिंग मिली है 4.2 की। तो गाइस, नंबर 1 पर है असालू।
वेंकटेश चक्रवर्ती जो कि एक प्रोफेसर होते हैं, लेकिन जब वो एक दिन जूम कॉल पर अपने स्टूडेंट्स की क्लास ले रहे होते हैं तब उनका मर्डर हो जाता है, जिसके बाद इस केस को सोल्व करने के लिए ऑफिसर रंजीत को असाइन किया जाता है। लेकिन जैसे ही ऑफिसर रंजीत इस केस की सिचुएशन को रिवील करते हैं तो उनके लिए ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट बन जाता है, और साथ ही उन्हें स्ट्रॉन्ग मोटिव के साथ चार सस्पेक्ट भी नजर आते हैं। अब गाइज, आखिर ऑफिसर रंजीत इस केस को कैसे सोल्व करते हैं, ये जानने के लिए आप इस मूवी को Definitely watch kare. ये मूवी थोड़ा बहुत भी टाइम वेस्ट नहीं करती है और राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन से ही अपने एक्चुअल प्लॉट के अंदर घुस जाती है, और मर्डर के बाद जो प्रोसेसिंग होती है वो ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी को जनरेट कर देती है। वही मूवी के सेटअप को भी नाइसली डन किया जाता है, और मूवी के अंदर जो एक के बाद एक कड़िया खुलना शुरू होती है वो ऑडियंस के इंटरेस्ट को बनाए रखती है। साथ ही इन्वेस्टिगेशन एंगल को भी नाइसली हैंडल किया जाता है। बाकी 2023 में इस क्राइम थ्रिलर मूवी को रेटिंग मिली है 7.2 की, और ये मूवी आपको ईटीवी ऐप पर देखने को मिलेगी। तो गाइज, ये थी वो साउथ की कुछ वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री वाली फिल्म है, जो आपको एक बार तो डेफिनेटली वॉच करनी चाहिए। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो के अंदर ऐड की गई मूवीज भी। तो अगर आपको वीडियो के अंदर जरा सा भी कुछ पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।